मैम 100 रुपए हुए। दिमाग ठीक है, ये रिक्शे वालों ने भी लूटने का काम शुरू कर दिया है। मैम मैं आपको कितनी दूर से बैठा के लाई हूँ आपको अंदाजा भी है? पूरा 3-4 किलोमीटर का रास्ता हो गया आपका। हमारा डेली का आना जाना है, पर बंदे का 10-10 रुपए लगते हैं। मैम क्या बात करो, कोई भी रिक्शा वाला 10-10 रुपए नहीं ले सकता। तो तुझे क्या लग रहा है हम झूठ बोल रहे? तो हमें झूठा बोलना चाहती है? शकल तो देखो शरीफ लगती पर है नहीं। वैसे ये बता तेरा पति नल्ला है या ठरकी बेरोजगार है? लड़के छेड़ने के सिवा उसके पास भी कोई काम नहीं होगा। तमीज में रहिए मैम, कैसी बात कर रहे हो मेरे पति के बारे में? तभी तो आज उसने रिक्शा चलाने का काम दे दिया तुझे, ताकि तू रिक्शा चलाने में बिजी रहे, वो अय्याशी करने में बिजी रहे। मैम आप कुछ सोच समझ के बोलिए, मेरे पति बहुत नेक दिल और बहुत अच्छे इंसान है। एक्सक्यूज मी, मुझे तुम्हारे पति में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही तुम्हारे पति के बारे में जानने में। अरे अंकिता, इसके पति ने इसको रिक्शा चलाने के लिए पता है क्यों दिया है? क्योंकि ये शादीशुदा है और सुंदर भी है, खामखा लड़के और बैठेंगे, पैसा भी अच्छा दे के जाएंगे। बस करिए, तमीज में रहिए भैया। अबे ओ तमीज में तू रह और हद औकात में रह के बात कर, तेरा कोई लेवल नहीं कि हमारे आगे खड़ी हो सके। तुझे मुंह लगा रहे वही बहुत है तेरे लिए। मैम मैं पढ़ाई करती हूँ और मेरे पति दिन रात मेहनत करके मुझे पढ़ाते हैं, और आप ऐसे गलत वर्ड मत यूज करिए मेरे और मेरे पति के बारे में। जी, क्या पढ़ाई करवाता है? लड़कों को फंसाने की, हमें लड़कों को पटा सके, या कुछ और ही पढ़ाई करवाता है? मैं UPSC की तैयारी कर रही हूँ मैम। UPSC का मतलब पता भी है, फुल फॉर्म पता है? हाँ मैम सब। रहन दे, तो जैसे कि मुंह से ना UPSC वर्ड की भी इंसल्ट है, और हम जैसे लोग जो पढ़ रहे हैं आज तक हमने शो ऑफ नहीं किया कि हम UPSC की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग भी UPSC की तैयारी कर रहे हैं? हाँ हम लोग भी UPSC की तैयारी कर रहे हैं, और हम ही लोग कर रहे हैं, तू नहीं कर रही है? बैटरी रिक्शे वाली दिमाग खराब कर रही है जब से हमारा। आकाश ये चश्मा ना इसको लगवा दो, ताकि अच्छे से देख सके कि सपने किस तरह से देखने चाहिए औकात में रह के। ये मैम आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ, ऐसे मिसबिहेव कैसे कर सकते हैं आप लोग? अंधों को अंधे बनने का ज्यादा ही शौक है। खैर छोड़ो। अरे तू कहाँ UPSC के चक्कर में पड़ी है, तू ऐसा कर इसी काम को आगे बढ़ा, बहुत अच्छा चलेगा, लड़कों को पटाने का। जो एक सवारी के 20 रुपए लगते हैं ना, अगर लड़के पटाएगी तो एक लड़का 20 के जगह 100 रुपए देगा, ऐसे तेरा भी अच्छा काम चलेगा और तेरे पति का भी। बस करिए आप लोग, मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, बख्श दीजिए मुझे और मेरे पैसे दीजिए, मैं जाऊँ। अच्छा चल अंकिता, इस काम की शुरुआत मैं ही कर देता हूँ, ला पैसे दे इसको दू और इसका बिजनेस आगे बढ़वाते हैं। सोनी 500 इसके मुंह पे मार। ये ले। नहीं नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे 100 रुपए चाहिए। चल भैया प्लीज। बदतमीज लोग हैं, अगर एक लड़की कोई मेहनत कर रही है तो क्या वो हमेशा गलत होती है या उसको गलत समझा जाता है? ऐसा समाज हो गया हमारा। भाभी फाइनली ये बिल्डिंग भी तैयार ही है? हाँ तैयार तो है। अरे यार इसका मैंने कॉन्ट्रैक्ट पास करवाया था, टूटी फूटी है सब। अच्छा, बिल्डिंग इसी की है? हाँ हाँ इसी की फाइल है। भाभी 2 महीने पहले ही तो आपने टेंडर पास करवाया था, फिर दोबारा? अरे तुम भी बिल्कुल मुंह रखी हो, मैंने टेंडर पास करवाया था, एक ही बार में सारा काम नहीं होता, बच्ची हो समझ जाओगी। पहले मैंने सीवर नहीं डलवाए थे, और इसी बहाने फिर से टेंडर पास करवा लेते हैं, सीवर भी डल जाएगा और डबल खर्चा भी उठा लेंगे हम। पर भाभी आपको क्या लगता है, PWD ऑफिस वाले टेंडर पास करेंगे? अरे भाई पैसे से क्या कुछ नहीं होता, 2-4 गरम गरम नोट फाइल में रखा और साइन तो खटा खटा हो जाते हैं, ऐसे काम हो जाते हैं। वहाँ के लोग इतने ज्यादा टाटा पैटा नहीं करते, हो जाता काम इजीली। अरे पहले भी तो करवाए है ना मैंने। हाँ बोलो रजनी जी, इतना भी घोटाला अच्छा नहीं होता, आटे में नमक जितना झूठ चल जाता है, लेकिन आप तो यहाँ पे नमक में पूरा आटा घुसा रहे हो। करेंगी अच्छा ही करेंगी। देखो इसमें हम सबका फायदा है, हम खाएंगे और तुम भी खाओगे। आप ही की करामात है भाभी। अरे करामात तो है, पैसे भी तो यहीं से कमाने। कुछ जाओ, कोई बड़े सागर नहीं है, महासागर नहीं जो टापे नहीं जाते, ये देखो ऐसे ऐसे निकल जाते हैं। यस सर, आप इस रोड के लिए 3 बार ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट ले चुके हो पिछले 1 साल जी, और आप बार बार इसे तोड़ते हो और बार बार बनाते हो। सर रोड इतनी खराब है, हम करें क्या, इतना तो काम करके देते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है। रंजीत जी, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके बनाए हुए रोड्स में क्यों आ रही है, और बाकी के कॉन्ट्रैक्टर्स जितने भी रोड बना रहे हैं उनमें तो ये दिक्कत नहीं आ रही? सर हम तो अच्छा खासा काम करते हैं, जो हम आगे काम देते हैं वो लोग अगर बीच में कुछ मिक्स कर देते हैं तो उसमें हमारी गलती थोड़ी है। मैं सारा दिन तो एक ही जगह पे नहीं खड़ी रह सकती ना, मुझे तो सारी चीजें देखनी होती है, अब कौन क्या कर देता है मुझे इसका नहीं पता है। और आपको यकीन नहीं है तो आप चल के हमारे साथ देख लीजिए। वो तो मैं देख चुका हूँ सड़कों के हालात जी, और आपके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई होगी और ये फाइल्स भी आपकी रिजेक्ट होती है। उन लोगों ने जो घोटाला करा उसके लिए तो तुम्हें जेल होगी। घोटाला? सर कैसा घोटाला? सर हमने तो ऐसा कोई घोटाला नहीं किया सर, बल्कि हमने तो काम करके दिया है सर। वो काम करे हुए सड़के
ऐसा लग रहा है किसी खेत में आ गए हम। सर हमने पूरी लगन और मेहनत से काम किया है। सर जो वर्कर्स है हो सकता है उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी हो। मैं सर आपको प्रॉमिस करती हूँ सर, सर प्लीज एक चांस और दे दीजिए। मैं पूरी निगाह रखूंगी सर, ईमानदारी से काम करूंगी सर, बिल्कुल ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगी सर। आपने भाभी पे इस तरह से इंजाम नहीं लगा सकते। आप चाहे तो अपनी तसल्ली से अपनी टीम के साथ खुदाई करवा के दिखा सकते हैं। हाँ सर दिखाओ दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर अगर कुछ खतरा की बात आप भाभी आप बोलो ना। सर प्लीज कुछ ले दे के सुलझा लीजिए ना इसको। अच्छा आप क्या दे सकते हो मुझे? सर आप जो चाहे। सर फिलहाल तो अभी ये लाए हैं और मांगोगे तो सर और दे देंगे सर। सर बस हमारा टेंडर पास करा दो सर प्लीज। एक मामलो से कॉन्ट्रैक्टर के पास नहीं सारे पैसे। सर वो तो वो सर ये कोई मेहनत की तो कमाई नहीं हो सकती। वो सर आपको पता है लोग इसके लिए टैक्स पे करते हैं ताकि उनको अच्छा रोल मिल सके, अच्छी लाइफस्टाइल मिल सके, और आप ये सब करते हो। सॉरी सर। उठाओ ये पैसा। तो बहुत पहचानो इनसे, बहुत अच्छे मेहमान है हमारे। कौन है ये लोग? आज से 2 साल पहले मिली थी मैं इनको। क्या कह रहे थे? मेरा पति निकम्मा घर में बैठ के आशियां कर रहा होगा, औरत के कमाई पर जी रहा होगा। और तुम क्या ये रिक्शा चलाने के लिए तुम्हारे पति ने इसलिए तुम्हें भेज दिया कि तुम यहाँ पे लड़के पटा सको और ज्यादा एक्स्ट्रा कमा सको। नहीं मैम वो तो ऐसे बस नादानी में बोल दिया था। जो बातें बोल रहा करो ना सोच समझ कर। तुम लोगों ने बिना सोचे समझे किसी इंसान को ऐसे जज कर दिया। लाइफ में ना जो भी किसी इंसान से कुछ भी बोला करो ना सोच समझ के बोला करो, पता नहीं कब पासा पलट जाए। अरे मैडम बच्चे हैं, गलती हो गई होगी। ये बच्चे सीरियसली? तुम्हें पता है ये कौन है? नहीं। ये एक आईएएस ऑफिसर है और मेरी वाइफ है ये, और हमने मेहनत करके ये मुकाम हासिल कर लिया। और ये लो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या कह रही थी रिक्शा चलाने वाली? चादर फाड़ ली होगी इसने, सपने तो कुछ ज्यादा ही लंबे देख लिए होंगे, औकात से ज्यादा। हाँ औकात से ज्यादा सपने देखे, मेहनत करी दिन रात दोनों ने, तब जाके इस मुकाम पे खड़े हुए हैं। मैम छोड़िए ना, आप तो गरीबी से निकली हैं, आप तो समझदार हैं ना, प्लीज ये टेंडर पास करवा दीजिए। गरीबी से निकली हूँ, ईमानदार हूँ, बेईमान कौर नहीं तुम्हारी तरह। और हम गरीबों को आगे बढ़ाएंगे, तुम जैसे बेईमानों को नहीं। सर देख लीजिए कुछ हो सकता है तो प्लीज सर। जरूर होगा। हाँ। जो आपने हराम की कमाई से बनाई है वो सारी प्रॉपर्टी सील हो गई। नहीं सर ऐसा मत कीजिए सर, सर हम तो रोड पे आ जाएंगे सर, रोड बनाने वाले रोड पे आएंगे, कैसा लगेगा सर? हाँ उन गड्ढों में रहने का पता भी तो होना चाहिए कैसा लगता है। और हाँ मिस्टर तुम क्या कह रहे थे? तुम्हें एक लड़की की इज्जत करनी नहीं आती, तुम्हारे घर में माँ बहने नहीं है। पता नहीं था इसलिए इतना कुछ बोला था। कोई भी लड़की सड़क पर मेहनत कर रही होगी तो उसको कोई हक नहीं वो मेहनत करके कमा सके। आप जैसे मर्दों के हिसाब से कोई औरत घर से निकलना बंद कर दे कि हाँ, क्योंकि मर्दों की तो गंदी नजरें होती है औरतों पे, वो मेहनत नहीं कर सकती, कोई लड़की घर से बाहर नहीं निकल सकती। बस करो, पता है मुझे तुम्हारे कहने का क्या मतलब था क्या नहीं? हम कल भी साथ थे और आज भी साथ हैं। गलतफहमी थी लोगों को, तुम्हें तो सीधा जेल पहुंचाऊंगी मैं। जेल? नहीं नहीं मैम प्लीज ऐसा मत कीजिए, हम तो मामले से कॉन्ट्रैक्टर है मैम। इस बार खोर कॉन्ट्रैक्टर जो कि हराम का खाते हो, तुम सब जेल जाओगे यहाँ से।